अभी क्या हाल है। तो ये है मेरे पास होंडा CB350 RS, ये देख लो ब्लैक और येलो कलर, ये इसकी की है। तो अभी इसको चला के देखूँगा और आपको बताऊँगा कैसी बाइक है। अच्छी है वैसे तो यार, मतलब 2.5-3 लाख के बजट में बाइक आती है आपकी। तो इसके बटन काफ़ी प्रीमियम है, आवाज़ सुन लो। यहाँ पे ये हज़ार लाइट का बटन है, ये स्टार्ट हो गई है, आवाज़ सुनो। आवाज़ इसकी ख़ास है भाई, आवाज़ बहुत बढ़िया है इसकी, स्मूथ है। ये क्लच भी काफ़ी लाइट है भाई, बहुत अच्छा पोस्चर है, कंफर्टेबल है भाई, बहुत अच्छा पोस्चर है। बाकी वाइब्रेशन अभी तक तो कोई फील हो नहीं रही, हैंडल बार पे भी सही है। बाकी भाई पोस्चर जो है, पहली चीज़ यही कहूँगा, बहुत कंफर्टेबल है इसका, बैठने में काफ़ी मज़ा आ रहा है इस पर, और सीट भी सही है राइडर की, काफ़ी चौड़ी स्पेशियस है, कंफर्टेबल है। भगाते हैं ज़रा आवाज़ भाई साहब, भगाने में जो आवाज़ आती है ना, क्या ही कहने, मतलब बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही है इसकी, और व्यू भी अच्छा आ रहा है। मतलब पैर भी इसके चौड़े चौड़े हैं तो ग्रिप अच्छी आ रही है। बाकी भाई आवाज़ है मेन, तो इसकी आवाज़ और स्मूथनेस बहुत अच्छी है। ऐसे भाग रही है पिकअप भाई साहब, कहना पड़ेगा इस बाइक का मज़ा आ गया रे। ये देखो गियर मांग लिया अभी इसने, पर क्या कहूँ, इस बाइक का मज़ा ही भाई अलग आ रहा है। हाइनेस से थोड़ा सा पोस्चर अलग है, और थोड़ा सा इंजन तो वही है, 350 cc का इंजन है आपका। और हॉर्न की दिक्कत होती है, हॉर्न ना थोड़ा सा यहाँ दे रखा है, वो हाथ जाता नहीं है। बाकी मिरर बुलेट जैसे दे रखे हैं, विजिबिलिटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, दिख जाता है, मतलब सही है। और टोटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। देखो अभी दूसरे गियर में गियर इंडिकेटर दिखाती है, एनालॉग डिजिटल मीटर है, तो यहाँ पे आपको देखो ऑडोमीटर दिखा देती है, टाइमिंग, फ्यूल गोज और गियर इंडिकेटर वगैरह। ट्रिप वगैरह होगी तो इसमें शायद बटन से कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ है। बाकी आगे से टर्न लेके आएंगे, और ट्रैफिक में चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हीट वगैरह अभी कुछ कर नहीं रही, तो हीटिंग का नहीं हो भाई, जब गियर का झटका भाई बहुत तगड़ा, गियर शिफ्ट करते ही अलग ही पिकअप आ रहे इसमें भाई, कहना पड़ेगा भाई मज़ेदार है। तो ओवरटेक करने में बहुत मज़ा आएगा इसमें, और गियर शिफ्टिंग सच में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, स्मूथनेस के नाम से है होंडा गाड़ी भाई, होंडा की बाइक बहुत स्मूथ होती हैं। ये ब्रेकिंग जो है उसको टेस्ट करते हैं जरा, ABS है, फ्रंट ब्रेक इतना कंफर्टेबल है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहा है भाई, बहुत अच्छी वाइट आ रही है। और पिछला ब्रेक भी, मतलब मेरे को जनरली ABS में पिछले ब्रेक अच्छे लगते नहीं है किसी बाइक के, बट इसके लगे हैं मेरे को, और काफ़ी बढ़िया लगे इसके ब्रेक, पिछले ब्रेक बहुत रेस्पॉन्सिव है, दोनों ही ब्रेक काफ़ी अच्छा, टर्निंग रेडियस मतलब पूरा घुमा लो आप इसको, ये देखो कितना उड़ गई है। खास है यार ये बाइक, बहुत खास है। अब इसमें इंडिकेटर की बड़ी दिक्कत हुई मेरे को, पता नहीं कहाँ दे रखा है, हाँ यहाँ ऐसे दे रखा है शायद, तो ये सब चीज़ है, बटन की थोड़ी आदत लगेगी बाद में। हॉर्न भी सही है, बाकी पोस्चर सच में अच्छा है, गियर शिफ्टिंग मस्त है, बाइक ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी। पिछला ब्रेक सच में अच्छा है यार, मतलब है रिस्पॉन्स, दोनों ब्रेक अगर आप लगाओगे ना स्पीड में होगे तो बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा आपको, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भगा रहे हो ना, तो रोकना चाहोगे कि भाई मेरे को यहाँ पे बाइक रोकनी, रुक जाएगी ऐसा है। तो और स्टेबल भी काफ़ी है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, तो मतलब टिक के चल रही बाइक, टायर अच्छे हैं ना इसके, इसलिए देखो भगने में भाई खींचती है पूरी ये, मैं कह रहा टॉप स्पीड ये 120 से ऊपर जाएगी और मज़ा आएगा, पर विंड लास्ट तो होएगा देखो, ये तो कहना पड़ेगा क्योंकि यार क्रूजर बाइक है, तो फेयरिंग वगैरह तो होती नहीं इनमें, तो उस चक्कर में। और गियर शिफ्ट कर, डाउन शिफ्ट कराऊँ देखो, मतलब बिल्कुल भी जर्क नहीं लगता, और ये अप शिफ्ट में तो ऐसे झटका लेती है ये देखो, और आवाज़ पीछे से सच में यार, मतलब ये देखो ये बाइक भाई पसंद आ गई मेरे को, तो आप सच में चलाना, आपको मज़ा आएगा ये बाइक को चलाते वक्त। वही मैं हॉर्न कह रहा हूँ, हॉर्न वाली दिक्कत यहाँ पे हो रही है मेरे को बार बार, हाथ यहाँ जा रहे हैं इंडिकेटर के यहाँ पे, और हॉर्न ऊपर दे रखा है इन्होंने। और भाई मतलब अब मैं गियर देखो, बड़े गियर में चलता हूँ बड़े, तो इस पर भी ये नहीं है कि झटका ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो अब मैं रेस मंदिर रखी 500 गियर पे हूँ, अब थोड़ा छठे गियर पे लूँगा ना, 5 ही गियर है क्या इसमें, हाँ शायद 5 ही गियर है, तो ये है इसमें बहुत अच्छी ट्यूनिंग कर रखी है इंजन की। ये देखो मज़ा चलाने में आता है, कंट्रोल काफ़ी अच्छा खासा है, हैंडलिंग जो है वो बहुत बढ़िया लगी इसकी मेरे को, हैंडलिंग मज़ेदार है कहना पड़ेगा। ये देखो पूरी कटिंग हो जाती है, अब इसको अगर आप लंबा लेके जाओगे कि भाई मैं तो लद्दाख लेके जाऊंगा, ले जा सकते भाई इसको, है इसकी पोस्चर में मज़े आते हैं चलाने में, कम्फर्ट। अब खींच के देखते हैं आप कितना जाती है, ये लंबा रास्ता मिल गया हमको थोड़ा, अब यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा, ये 110 तो चढ़ी चुकी है, भाई स्टेबल है भाई, मतलब भगती है, चिपक के चलती है, मज़ा आ गया भाई। ये देखो स्टेबिलिटी क्या लग रही है, एक नंबर मस्त है। और सस्पेंशन की बात करें
तो भाई यहाँ पे खड्डे वड्डे तो है नहीं, बट थोड़े से स्टीफर साइड है इसके सस्पेंशन, बट अच्छी है, चलने में काफ़ी बढ़िया लगी। अब थोड़ा सा ट्रैफिक है तो ट्रैफिक में पता चल जाए कैसी है ये। अब यहाँ पे खड्डा है, मैं ज़रा सा इसका सस्पेंशन देखता हूँ कि फील होते कि नहीं। अच्छे है भाई, क्योंकि सीट भी अच्छी है, खड्डे फील होते नहीं है। ये देखो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और वही बात, आवाज़ जो है ना भगाते जब बहुत, मतलब मैं अभी खींची थी ना 110-120, तो उसमें आवाज़ बहुत अच्छी आई थी इसकी बिल्कुल। और ब्रेकिंग वगैरह ओवरऑल भाई काफ़ी ऑसम बाइक है, गजब मज़ा आ गया यार। वाइबर से थोड़े बहुत हैंडल बार पे आएंगे, वो ज़्यादा आप अगर RPM रेव करोगे तब आएंगे। और बाकी खास बात करूँ तो इस बाइक की स्मूथनेस, पिकअप एंड बाइक की आवाज़, साथ में ब्रेकिंग, हैंडलिंग सब मज़ेदार लगी मेरे को यार इस बाइक की। ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है यार ये एक, और मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई ये बाइक। मतलब मैं तो एक मैं इसको रोज़ चला सकता हूँ बिल्कुल, आप रोज़ चला सकते हो इस बाइक को, तो रोज़ चलाने के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है ये, और हाईवे पे भी मज़ा आएगा। तो ये सही ऑफिस ले जाने के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा एक पैकेज रहेगा, और अगर आपको भाई कभी संडे राइड भी करनी है तो मज़ा आएगा, आपको ये निराश नहीं करेगी बाइक, आप सेटिस्फाई होगे इस पर बिल्कुल। अब टर्न ले लेते हैं, क्योंकि टर्निंग रेडियस भी इसका देखो कितना अच्छा है, ये देखो ईजिली टर्न हो जाती है, पूरा टर्निंग रेडियस है, कितना भी घुमा लो आप स्टीयरिंग को। अब देखो सिटी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी एक नंबर है, और ओवरटेक करने में बिल्कुल मज़ा आता है, कोई भी आपको ऐसा फील नहीं होता कि भाई लैग कर रही हो पावर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और क्लच इतनी बढ़िया है कि आपको ट्रैफिक को बिल्कुल, ये देखो बहुत लाइट है, बिल्कुल हाथ नहीं दुखेंगे। मेन चीज़ कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, सीट थोड़ी सी मतलब यार अप टाइट लग रही है चला चला थोड़ा सा, बट लॉन्ग राइड थोड़ी सी टाइट रहने वाली है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका देखो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन भी काफ़ी चौड़ा भारी सी फील होती है, बड़ी सी बाइक लगती है, लगता है कि हाँ बड़ी सी बाइक चला रहा हूँ, मज़ा आता है चलाने में। क्लच तो इतनी लाइट है भाई, बिल्कुल हाथ में पेन हो ही नहीं रहा, तो आप सिटी में बिल्कुल आराम से चला लोगे, हाईवे पे तो मज़ा आएगा ही। सो ओवरऑल जो ये बाइक है बहुत मज़ेदार पैकेज है, आप बिल्कुल इसको ख़रीद सकते हो मेरे हिसाब से, तो आपका बजट है तो ज़रूर लो यार। और आपको कैसी लगी CB350 RS, अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इनकी CB350F थी वो तो डिसकंटिन्यू कर दी यार, बाकी हाइनेस भी काफ़ी अच्छी बाइक है, इसके कलर भी आते हैं काफ़ी सारे, तो ये भी अच्छी चीज़ है। मेन चीज़ यार इसके एग्जॉस्ट नोट है ना बहुत अच्छी आ रही है, पीछे से अलग ही आवाज़ आ रही है। तो अभी ज़रा रोक लेते हैं, मैंने अपना एक रिव्यू दे दिया आपको, आवाज़ सुनना, बीच में पटाखे से भी लेती है हल्के हल्के, तो ये ना मज़ा आ जाता है चला के इसको। ये देखो ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी इसमें बाकायदा, आपको मैं बता दूँ ऑफ रोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यार ये बहुत बढ़िया लगी बाइक मेरे को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना भाई, और बाइक अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और जो होंडा लवर है अपने स्टैंड काफ़ी पीछे वो कमेंट करना, तो बताना कैसी लगी बाइक, ये कलर कैसा लगा, और आपको ये वाली अच्छी लगती है या फिर भाई अपनी हाईनेस अच्छी लगती है। ये देखो मस्त लग रहा है, ब्लैक येलो कलर, अलॉय देख लो कितने अच्छे लग रहे हैं, ब्रेक्स भी अच्छे हैं, एग्जॉस्ट नोट तो भाई एक नंबर है इसकी। मैं एक बार आपको अब सुनाता हूँ, न्यूट्रल करना पड़ेगा मेरे को, और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आप इंस्टा यूज़र हो, तो वहाँ पे अपडेट मिलेंगे आपको रील वगैरह के, तो वो करना। देख लिया आपने, आवाज़ सुन ली, LED इंडिकेटर मिलते हैं, पीछे से लुक देखो कितनी अच्छी लग रही है, टायर देखो कितना चौड़ा है, आई थिंक 150 है, तो काफ़ी बढ़िया बाइक है। इंस्टा फॉलो करना, चैनल सब्सक्राइब करना, सब कर देना। चलो मिलते हैं फिर की साइड में, तब तक खुश रहो, मौज लो, बाय बाय।